हेलो बच्चों, आज हमारा ये पहला लेक्चर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर। ठीक, तो आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक, तो अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो बेटा एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री वन हो, मीन्स जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है मैक्सिमम डिग्री जो होगी, मैक्सिमम डिग्री, या जिसे हम पावर बोलते हैं, ऑफ अ इक्वेशन इज वन होनी चाहिए। ठीक, अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिग्री या उस इक्वेशन की जो पावर होगी वो वन होनी चाहिए। ठीक, और फिर अब हम बात करते हैं कि जो इसका जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का। ठीक, जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का। ठीक, अब हम बात करते हैं बेटा कि ये जो पावर है ये कैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई ये जो है वो पावर वन कैसे है। तो बेटा यहाँ पे जो हमारा एक्स और वाई है इस इक्वेशन के लिए, एज अ हम इसको मान रहे हैं कि ये हमारा वेरिएबल है। ठीक, और ए और बी जो हैं हमारे वो हैं कोफिशियंट, क्या है कोफिशियंट। ठीक, सी हमारा क्या है कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट। ठीक, तो बेटा देखो अगर हमने लिखा कि ए एक्स, या हम ऐसे बोल सकते हैं हमने लिखा 2x प्लस 3y, ठीक, प्लस या हमने लिख दिया यहाँ पे -5 बराबर 0। ठीक, अगर हमने ऐसा लिखा तो बेटा अगर हम बोलें कि कोफिशियंट ऑफ x कितना है, कोफिशियंट ऑफ x क्या है, तो बेटा वो हो जाएगा 2। मीन्स x के आगे जो वैल्यू लिखी है वो कोफिशियंट ऑफ एक्स होगी, मतलब 2। ठीक, फिर अगर हम बोलते हैं कि कोफिशियंट ऑफ वाई कौन होगा, तो वो हो जाएगा हमारे लिए 3। और अगर हम बोलें कि इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो कौन है, तो वो हो जाएगा हमारा -5। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। और बेटा डिग्री की बात करें तो ये जो एक्स के ऊपर जो पावर, ये 1, क्योंकि दोनों हमारे वेरिएबल है ना, तो दोनों की जो पावर है वो कितनी है, 1। इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि अब जब हमारे पास दो अननोन हैं, इफ वी हैव टू अननोन्स, टू अननोन वेरिएबल, देन टू फाइंड दीज टू वेरिएबल वैल्यू वी नीड ऑफ एट लीस्ट टू इक्वेशन। मतलब बेटा कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास जितने अननोन हैं, जितने अननोन्स हैं उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशन होगी, तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, मतलब जो हमारी वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी। ठीक, या हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे।
बट हमारे पास एक ही इक्वेशन रहेगी तो हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पे हम एक इक्वेशन रहती है तो वहाँ पे हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ना कि उसकी वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अभी हमने लिखा था कि 2x + 3y - 5 = 0। तो बेटा अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी x = 5 - 3y/2। तो बेटा यहाँ देख रहे हो, जब हमने x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है इस समय? y पे। तो ये एक तरीके का रिलेशन ही तो हुआ, ठीक। बट अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हो और दो अननोन हो तो हम एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ रही होंगी और हमको उसको सॉल्व करना होगा तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा हमारे यहाँ पे जो दो इक्वेशंस होंगी, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहला मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। और जो सेकंड मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये हमारे तीन मेथड हैं जिनके थ्रू हम अपनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम सॉल्व करेंगे जब हमको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि हमारे पास दो वैल्यू होंगी, दो वेरिएबल्स होंगे, हम उसमें से किसी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। एलिमिनेशन में हम उन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो आज जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे वो दो मेथड को कवर करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड को और एक एलिमिनेशन मेथड को। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि हम कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, जहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है 11x + 15y + 23 = 0, और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 7x - 20 - 2y - 20 = 0। तो बेटा यहाँ पे हम जो ये पहली इक्वेशन दे रखी है इसको हम 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को लेंगे तो बाई 1 हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। तो यहाँ पे बता देते हैं क्या यूज़ कर रहे हैं, यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। हम यहाँ पे लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे कि हम इक्वेशन 1 को लेंगे, अब हम चाहे तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लें या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लें, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो वो हो जाएगी -23 - 15y/11। हम इसको नंबर दे देते हैं 3, ठीक। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमने किसकी हेल्प से, इक्वेशन 1 की हेल्प से एक्स की वैल्यू निकाली है और उसको हमने बनाया है नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम जा करके इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, मतलब हमने जिस इक्वेशन की हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट करी है एक्स की इन टर्म्स ऑफ वाई, हम उसमें जाके उस वैल्यू को ना रख करके हमारे पास जो बच गई है इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशंस में से, उसमें जाके पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, पुट इक्वेशन 3 इन 2। तो बेटा देखो, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम ये वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
सेवन एक्स की जगह पे आ गया बेटा -23 -15y होल अपॉन 11 -2y -20 इज इक्वल्स टू 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करा हमने तो आया 7 से मल्टीप्लाई किया 1 2 14, 161 आ गया, माइनस का 15 से किया तो ये आ जाएगा 105y, और यहाँ पे भी बेटा माइनस है, होल अपॉन 11 -2y -20 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो जब हमने एलसीएम लिया तो हो गया 161 -105y -22y -220 इज इक्वल्स टू 0। बेटा होल अपॉन में 11 आएगा जो कि इधर 0 की तरफ जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो हमको 0 मिल जाएगा। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हमको कितना मिल गया, -137y। ठीक, अब हम इसको दोनों को जोड़ेंगे और जब ये हो जाएगा -381 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ पे हम देखें कि हमको हमारा जो भी वेरिएबल होता है हम उसको पहले पॉजिटिव रखते हैं, तो ये निगेटिव है, जब हम इसको इधर 0 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 137y इज इक्वल्स टू -381। तो ये जो वैल्यू है ये 3 टाइम से इससे कट जाएगी तो वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक, अगर हम पुट कर दें y बराबर -3 इन इक्वेशन नंबर 3, तो देखिए बेटा हम y बराबर -3 रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो इक्वेशन नंबर 3 है हमारी ये, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो आ जाएगा -23 -15 इंटू वाई, वाई की वैल्यू माइनस आई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 45। तो बेटा 45 प्लस का हो गया और उसमें से 45 में से अगर हम 23 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 22, वो भी प्लस का और डिवाइडेड बाय 11। तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, तो ये रहा, देखिए एक्स की वैल्यू आएगी 2। ठीक, तो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू दोनों ही आ चुकी हैं और हमको यही फाइंड आउट करना था। ठीक, तो हमारी एक्स की वैल्यू, देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड वाई इज इक्वल्स टू -3। अब हम ये चाहेंगे कि हम ये देख लें कि भाई हमारा जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं, तो ये हम कैसे देखेंगे, हम अपनी इन दोनों वैल्यूज़ेस को एक्स बराबर 2 और वाई बराबर -3 को हम अपने क्वेश्चन में जाके रखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ था 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा देखो 22x मतलब टू सॉरी 11x, तो 11 इंटू 2 क्या, तो 22 हो गया, प्लस माइनस वाई की वैल्यू -3 है तो क्या -45, तो जब घटाएंगे बेटा तो माइनस का 23 बचेगा और ये 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन को ये सॉल्व कर रहा है इसलिए हमारा ये आंसर सही है, किसी भी एक इक्वेशन में हम रख के उसको देख लेंगे। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो आपको हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है इसमें कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो हमने इनको नंबरिंग दे दी 1 और 2। आप अगर इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो दे रखी है 23x -29y इज इक्वल्स टू 98, और जो सेकेंड इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 29x -23y इज इक्वल्स टू 110। आपको इन दोनों इक्वेशन में कुछ सेम लग रहा है, इन दोनों इक्वेशन में अगर आप देखिए तो आपको ये दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे जो एक्स के साथ 23 है वो सेकेंड इक्वेशन में वाई के साथ है। ठीक, और जो फर्स्ट इक्वेशन में 29 है, माइनस को भी रहने दीजिए, माइनस को ना ध्यान दीजिएगा, केवल
कोफिशेंट को देखिए और कोफिशेंट के साइन को ना देखिए। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 23 है, यहाँ पे वाई के आगे 23 है, यहाँ पे वाई के आगे 29 है, बट यहाँ पे 29 है एक्स के सामने। तो बेटा क्या है, अगर हम देखें दोनों ही इक्वेशन में जो दोनों के कोफिशियंट हैं एक्स और वाई के, वो इंटरचेंज हैं। तो बेटा जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन केवल एक ही तरीके से हो सकता है। वो तरीका है कि एक बार हम इन दोनों ही इक्वेशन को उठा करके ऐड कर लें, तो हम करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड। तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23x माइनस 29y बराबर 98, और ये हो जाएगा 29x माइनस 23y इज इक्वल्स टू 110। बेटा जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख करके इसको ऐड करना शुरू करते हैं। जैसा भी इसका साइन होगा वो साइन एज इट इज़ होगा। जैसे यहाँ पे माइनस है तो ये साइन माइनस में ही है, ठीक। तो अब बेटा देखो 23x और 29x दोनों ही प्लस के हैं, तो जब दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 52x माइनस, इन दोनों को भी देखेंगे तो दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस का 52y इज इक्वल्स टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना बताइए, ये हो जाएगा हमारे पास 2, सॉरी ये हो जाएगा 208, ठीक। ये हो गया 208। अब जब हम इसमें से 52 को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू बेटा 4, और इसको हम नंबर दे देंगे 3, ठीक, कोई दिक्कत। फिर देखिए एक बार हमने इक्वेशन को ऐड किया है, अब ऐड कर लिया है तो अब हम दूसरी बार में क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देंगे। तो इक्वेशन 1 थी 23x माइनस 29y बराबर 98, और फिर दूसरी थी 29x माइनस 23y इज इक्वल्स टू 110, ठीक बेटा। बट यहाँ पे जब माइनस साइन लग जाता है दोनों इक्वेशंस के बीच में, तो हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन लिखी होती है हम उसके हिसाब से यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे देख रहे हैं 29 प्लस का है तो हम इसके नीचे माइनस कर देंगे, तो ये जो माइनस है वो एक तरीके से 29 के को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 29 के आगे रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस। अब देखिए आप बेटा 23 है प्लस का और 29 है माइनस का, तो घट के आएगा माइनस एक्स। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ आएगा -6 y बराबर इज इक्वल्स टू, अब बेटा यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 12। तो बेटा अगर हम इसमें से -6 को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये हमारी इक्वेशन हो गई 4। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास इतना सॉल्व होने के बाद हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पीछे सीख चुके हैं, अब हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो जब हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड में हमको ये करना होता है कि जो भी हमारे वेरिएबल हैं दोनों एक्स और वाई दोनों इक्वेशंस में, उनके कोफिशियंट सेम होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में अगर एक्स का कोफिशियंट देखें इक्वेशन नंबर 3 में तो वहाँ पे 1 है, और वाई का भी कोफिशियंट 1 है। फोर्थ इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट भी 1 है और वाई का भी 1 है। तो कुल मिला करके हम देख रहे हैं कि दोनों ही इक्वेशंस में हमारे कोफिशियंट सेम है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, ये हमारे इक्वेशंस के कोफिशियंट के साइन पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं थर्ड इक्वेशन में कि वाई जो है उसके आगे माइनस है, बट फोर्थ इक्वेशन में वाई के आगे जो साइन है वो प्लस है। तो अगर हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दें तो क्या होगा,
एक्स माइनस वाई बराबर 4 हमारी थर्ड इक्वेशन, और एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 हमारी फोर्थ इक्वेशन। यहाँ पे जब प्लस लग जाएगा कोई साइन नहीं चेंज होगा, हम देख रहे हैं एक प्लस का और एक माइनस का तो ये कैंसिल, तो 2x बराबर 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अगर x हमारा 3 है तो अगर हम इस वैल्यू को चाहे थर्ड या फोर्थ में या जो फर्स्ट और सेकंड थी किसी में भी रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम करते हैं पुट x बराबर 3 इन इक्वेशन नंबर 4, तो हमारे पास बेटा वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -1। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ठीक, जहाँ पे हमको फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 2 अपॉन x + 3 अपॉन y इज इक्वल्स टू 13, एंड जो सेकेंड इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 5 अपॉन x - 4 अपॉन y - 2। तो बेटा हम क्या करेंगे, हमारे पास ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो बेटा अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में हैं, और इससे पहले जो दो हमने क्वेश्चंस लगाए हैं वहाँ पे जो वेरिएबल्स थे वो न्यूमरेटर में थे, तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर में अपने वेरिएबल्स को लाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम मान लेते हैं कि बेटा अगर आप देखें कि यहाँ पे 2 अपॉन x को कैसे लिखा गया होगा, 2 × 1 अपॉन x लिखा गया होगा। ठीक, तो इस 1 अपॉन x को हम कुछ लेट कर लेते हैं, तो लेट 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू u, और बेटा 1 अपॉन y को हम लेट कर लेते हैं v। तो देखो बेटा जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 बिकम इक्वेशन 1 जो है वो बन जाएगी बेटा 2u + 3v = 13, इसका नंबर हो गया बेटा 3, और बेटा इक्वेशन 2 बिकम वो बन जाएगी कैसी, 5u - 4v = -2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारी लीनियर इक्वेशन में है, इससे पहले भी जो दे रखी थी वो भी एक तरीके से हमारी लीनियर इक्वेशन थी। ठीक, तो अब बेटा अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं और एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार दोनों ही मेथड को एक साथ बता देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन से भी कर देता हूँ, फिर उसको मैं कर देता हूँ एलिमिनेशन से। तो बेटा मैं यहाँ पे साइड में आपको बता दे रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाएंगे और एलिमिनेशन कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जब मैं लगा रहा हूँ बेटा, तो मैंने बोला था कि जो हमारा हमारी इक्वेशन होगी उसमें दो अननोन्स होंगे, तो एक अननोन यू है और एक अननोन वी है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, जब हमारे पास जिन दो इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना होता है तो हम उन इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशंस को लेते हैं और उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल हम लिख लेते हैं, या जो दूसरा वाला वेरिएबल होता है उसके टर्म्स में। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं बाई इक्वेशन 3। तो हमने जब इक्वेशन 3 ली तो हमको यहाँ से u की वैल्यू आ गई 13 - 3v / 2। हम इसको नंबर दे देते हैं बेटा 5th। ठीक, तो अब देखो जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो हमने आपसे ये बोला ना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में जिस इक्वेशन को हमने उठाया, जो कि यहाँ पे उठाई हमने इक्वेशन नंबर 3, उसके बाद जो हमने उससे वैल्यू बनाई वो हमारी इक्वेशन नंबर 5th हो गई। तो अब ये वैल्यू को हम 3 वाली इक्वेशन में नहीं रखेंगे, हम रखेंगे 4th वाली में। ठीक, आप लोग सोच रहे होंगे कि फर्स्ट और सेकंड में भी तो रख सकते हैं, बेटा फर्स्ट और सेकंड में नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एक्स और वाई के टर्म्स में हैं, जबकि ये जो इक्वेशन 3 और 4 है वो
यू और वी के टर्म्स में है, और जो इक्वेशन नंबर 5 बनी है वो यू की वैल्यू वहां पे निकल के आई है, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। तो पुट इक्वेशन 5 इन 4, तो जब हम इसको 4 में रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 5, यू की वैल्यू हमारे पास हो गई 13 -3v/2 -4v -2। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 65 -15v -8v -4। तो बेटा यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ये -23v ये बेटा जब इधर शिफ्ट हुआ -69, तो बेटा जो v की वैल्यू आई वो हमको मिली 3। ठीक, अब ये वैल्यू हम उठा के किसी में भी रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, u। तो पुट v बराबर 3 इन u, ठीक, v बराबर 3 इन किस में रख दें, अब हम रख देते हैं फिफ्थ में, तो अगर फिफ्थ में रख दें, थर्ड में रख दें, फोर्थ में रख दें, किसी में भी रख दें, हमको u की वैल्यू निकल के मिल जाएगी। तो u बराबर हमारे पास हो गया 13 -v मतलब 3, तो ये हो गया 339/2। तो बेटा यहाँ पे हमको जो वैल्यू आई वो आई u बराबर 4/2 मतलब 2, तो u की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक, तो बट बेटा हमको u की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है v की। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने सिंस u बराबर हमने माना था 1/x, तो बेटा u की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/2। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा u आ चुका है, अगर हम इस u को और v को, u भी आ चुका है तो और v की वैल्यू हो जाएगी, सिंस v बराबर हमने माना 1/y, तो y की वैल्यू, v की वैल्यू थी 3, तो हमारे पास y की वैल्यू हो गई 1/3। तो इस तरीके से हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड लग गया है। अब हम इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड की तरीके से बताते हैं। तो अब हम इसी क्वेश्चन को, अभी हमने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह से बताया, अब हम लगाएंगे इसको एलिमिनेशन की तरीके से। तो जब हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे बेटा, तो अब हमको यहाँ पे 3 और 4 वाली इक्वेशन को देखना है, तो हम देख रहे हैं कि थर्ड वाली इक्वेशन में जो यू का कोफिशियंट है वो है 2, और जो वी का कोफिशियंट है वो है 3, और वहीं पे फोर्थ इक्वेशन में जो यू का कोफिशियंट है 5 और वी का कोफिशियंट है 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में जो कोफिशियंट है वो सेम नहीं है, तो अब हम उसको सेम करेंगे। अच्छा, सेम करने से पहले बेटा हम ये देख लेते हैं कि जो हम ये देख लेते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वो इक्वल नहीं है, तो हम उसको कहीं ना कहीं तरीके से इक्वल करेंगे। तो अब इक्वल कैसे करेंगे, तो अब हम देख रहे हैं कि अगर हमको 3 में u को एलिमिनेट कराना है, मान लीजिए कि 3 और 4 में मिला के, 3 और 4 में हमको u को एलिमिनेट कराना है, तो हम u के कोफिशियंट को बराबर करेंगे। ठीक, अगर हमको 3 और 4 में अगर हमको v को एलिमिनेट कराना है तो हम v के कोफिशियंट को बराबर करेंगे। तो बराबर हमको कैसे करना है ये हमने आपको बताया, बट बेटा हमको थोड़ा साइन का भी ध्यान रखना है। ठीक, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे u दोनों जगह पे u के जो कोफिशियंट हैं वो पॉजिटिव में है, बट जो v का है वो एक जगह पॉजिटिव में है और एक जगह नेगेटिव में है। तो हम अगर u वाले को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो हम देख रहे हैं जब दोनों में सेम साइन है, चाहे वो प्लस प्लस हो बेटा, चाहे वो यहाँ पे मतलब कि थर्ड इक्वेशन में अगर u का कोफिशियंट प्लस में है और फोर्थ में भी u का कोफिशियंट प्लस में है और हम u को ही एलिमिनेट कराना चाहते हैं, तो ऐसे में हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। मतलब अगर दोनों, जिस भी हम एलिमेंट को
हम एलिमिनेट कराने वाले हैं, अगर उसका जो साइन है वो सेम है तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कराते हैं, अगर अपोजिट है मतलब एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है तो उस केस में हम उसको ऐड करते हैं। यहाँ पे तो हम यहाँ पे बेटा 3 और 4 में वी को बराबर करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 3 में अब जब हमको वी के कोफिशेंट को बराबर करना है तो यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 है, तो हम ये 4 को इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले 3 को इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक, और हमारा साइन हो गया प्लस का क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है, और हम इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक। तो अब जो हमारी वैल्यू आई वो आ गई बेटा, ये हमारी आ गई 8u प्लस 12v इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 52, और यहाँ पे हमने जब 3 से की तो 15u माइनस 12v इज इक्वल्स टू -6, ठीक। अब हम यहाँ पे जब एडिशन होता है तो हम कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा कैंसिल हो गया और ये हो गया बेटा हमारे पास 23x, ये हो गया 23u इज इक्वल्स टू बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, हमारे पास आ जाएगा 40, माइनस कर देंगे इसमें से तो हमारे पास बचेगा 46, ठीक। तो u की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे पास 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे 3 या 4 में, तो हम पुट करते हैं u बराबर 2 इन 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v बराबर 3। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, हम जान रहे हैं कि सिंस u बराबर 1/x इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू आ गई 1/2, और सिंस v इज इक्वल्स टू 1/y बराबर 3, तो वो बता रहा है कि y की वैल्यू आ गई 1/3, ठीक। तो ये हो गए हमारे दोनों आंसर, ठीक। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक। अब बाकी न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और बेटा वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, जितना से जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकें उतना ही अच्छा होगा, ठीक। और सपोर्ट करते रहिए, जो कोई भी दिक्कत हो मैसेज करिए, ठीक, अपने डाउट्स को वहाँ पे रखिए। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।